आइए देखते हैं नौजवानों में बिगाड़ के क्या मज़ाहिर हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें दिखाई देती हैं बिगाड़ वाली। नंबर एक, वालिदैन से बदतमीज़ी। जब थोड़े बड़े हो जाते आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, हाँ, तो उसका क्या होता है, मोटी आवाज़ हो जाती है, तो अब वो माँ बाप से बदतमीज़ी करने लगते हैं। कहाँ जा रहा, यहीं, कहाँ नहीं, क्यों, ऐसे ही। बच्चों के बारे में आप देखिए, बोलते नहीं माँ बाप को ज़्यादा, सीक्रेट रखते सब। किसके साथ जा रहा है, एक दोस्त, क्या नाम है उसका, बताता आके नहीं बताएगा। मैं क्या बोल रहा, सुनने नहीं आ रहा क्या, हाँ सुन रहा ना, सुना ना, एक बार बोला ना, बदतमीजी, बदतमीजी करता बड़ों से, आपका ना ऐसे ही हमेशा कहे, तमीज से बात ही नहीं करते। अच्छा तू मेरे को तमीज सिखाएगा, जब तक चला भी गया। फिर वो सारा गुस्सा किस पे निकालता, माँ पे, देखो तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा हो। वो बेचारी किचन में से बोलते, अब इनका इधर शुरू हो गया, वहाँ काम नहीं बना तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बड़ा होने के बाद में, बचपन में आप डांटते थे उसको, अब नहीं सुनेगा वो। अब कैसा है, आप एक बोलोगे, आप उर्दू में बोलोगे तो वो इंग्लिश में बोलेगा, आप उर्दू में बोलोगे व्हाट नॉनसेंस बोलेगा वो आपको, बदतमीज, तो आप बोलेंगे नॉनसेंस, वो इंग्लिश में आपका जवाब देगा, उर्दू में नहीं। अब तो थोड़ा हाईफाई हो गया वो, दोस्तों में बैठता भी ऐसे, वो सब इंग्लिश में बात करते हैं, वो तमीज़ नहीं रखेगा आपकी। तो बड़े होने के बाद में अक्सर ये बुराई बच्चों में पैदा होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतनानी युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद्दुनिया अल्बग्यु व उकूकुल वालिदैन। वालिदैन के साथ बदतमीज़ी कितनी बुरी चीज़ है। आप फरमाते हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सज़ा अल्लाह ताला दुनिया ही में जल्दी जल्दी दे देता है। वो दो चीज़ें क्या हैं, अलबगी। अलबगी दो चीज़ों के लिए आता है हदीस में, एक जिना के लिए आता है और एक जुल्म के लिए आता है। अलबगी व उकूकुल वालिदैन, और माँ बाप के साथ बदसलूकी करना। इमाम अत्तबरानी ने इसको रिवायत किया अलकबीर में, सहल जामे सगीर हदीस नंबर 137, हदीस सही है। तो वालदेन से बदतमीज़ी नौजवानों में क्या क्या बुराइयाँ आती है, एक एक करके हम उसको देखेंगे, किसका इलाज करना है आगे हम उस पर भी बात करेंगे। तो नौजवान जो हैं माँ बाप से बदतमीज़ी करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कमी होती है कि हमने भी उनसे बदतमीज़ी की है। अब देखो, मैंने ड्राइंग बनाया, अलिफ लिखा, ए लिखा, बा लिखा, मैं काम कर रहा हूँ ना, बाद में बताओ, बाद में बताओ, अभी नहीं, ज़रा देखो ना अबू, बदतमीज़ कहीं का थप्पड़ लगा दिया, झटक दिया, बीवी को बोला देखो इसको क्या, ज़रा संभालो इसको, मैं काम कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता तुमको। बच्चा देखता है, अच्छा बचपन से वो सीखता है उसको, अच्छा यानी इनको मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मैं जब इनके करीब जाता हूँ धुतकारते हैं। बाद की ज़िंदगी में उसी को इमिटेट करता है, बाद की ज़िंदगी में जब बाप बेटा ज़रा इधर आ रहा हूँ, ठहरो ज़रा, उसको अपने पास जब बुलाता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ तेरा, ज़रा बताया नहीं कॉलेज में क्या हुआ, अब क्या बार बार बताऊँ मैं, कुछ नहीं हुआ, जैसा रोज़ होता वैसे ही हुआ, वो आता ही नहीं, क्या तू मेरे पास बैठता ही नहीं, क्या करूँ बैठ के आपके पास, क्या करूँ, वही कड़ी बातें सुनूँ, वही लेक्चर सुनूँ, आपका भाषण सुनूँ, वही आपका सुनूँ, हमारे ज़माने में ऐसा था, नहीं सुनता, हो करीब नहीं आता, क्यों, कहीं ना कहीं आपने भी उसके साथ वैसा किया है, उसको आपने टाइम नहीं दिया है, आपने उसकी बातें नहीं सुनी, आपकी भी नहीं सुनता हुआ। तो एक बुराई जो पैदा होती है वालिदैन से बदतमीज़,